रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम। मैं डॉक्टर सुनीता कुमारी, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज मैं अपने विद्यार्थियों से रेडियो पत्रकारिता पर बात करने जा रही हूँ, जो कि BA सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी इच्छा एवं पसंद से कभी भी कहीं से भी अखबार पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार लेख को पढ़ते समय कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में इसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और न ही किसी गूढ़ शब्द के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश से अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों का महत्व अधिक होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है। वैसे तो तीनों ही माध्यमों में रेडियो और टीवी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन है। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है। चूँकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्वक्रम के में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार या समस्या का ब्यौरा कालक्रम के बजाय सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। रेडियो के लिए समाचार लेखन में कुछ बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, जैसे समाचार कॉपी साफ सुथरी और टाइप्ड होनी चाहिए। दूसरा, डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग होना चाहिए।